जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, तो आज हम 25 अप्रैल का न्यूज़पेपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सूडान के बारे में, सेकंड हम पढ़ेंगे केशवानंदन भारती केस के बारे में, एंड थर्ड हम पढ़ेंगे इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस ऑफ 1975 के बारे में। तो फर्स्ट हम सूडान के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें क्या है, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने ना ऑपरेशन कावेरी लॉन्च करा गया है इन द सूडान टू इवैक्यूएट द इंडियंस दैट आर स्ट्रक इन द सिचुएशन ऑफ द सिविल वॉर। ठीक है, तो ऑपरेशन कावेरी इज ऑल्सो नोन एज द इवैक्यूएशन मिशन। तो इसमें INS सुमेधा भेजी गई है टू द सूडान पोर्ट। तो सूडान पोर्ट इज 850 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ द कंट्री दैट इज खार्तूम। तो सूडान ना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन बन जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि सूडान के नेबरिंग में कौन कौन है, जैसे कि ईस्ट में है हमारा रेड सी, इरीत्रिया, इथोपिया, नॉर्थ में इजिप्ट पड़ता है, एंड इसमें नाइल रिवर भी फ्लो करती है। तो हमारे सूडान काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड रिजर्व्स भी बहुत ज़्यादा हैं, एंड गोल्ड रिजर्व्स के साथ साथ फॉसिल फ्यूल्स की भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। तो ये काफ़ी रिच है हमारा फॉसिल फ्यूल्स में, गोल्ड रिजर्व्स में, नाइल रिवर फ्लो करती है, एंड टू इट्स ईस्ट रेड सी इज देयर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन बन जाती है, एंड थर्ड लार्जेस्ट कंट्री हमारा कॉन्टिनेंट अफ्रीका का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सूडान, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी नेबरिंग कंट्रीज वगैरह ज़रूर याद करना। इसके बाद है केशवानंदन भारती केस, जो हमारे 24 अप्रैल 1973 को 2023 में 50 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं केशवानंदन भारती केस की रूलिंग को। तो इसमें जजमेंट आई थी कि आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इनेबल द पार्लियामेंट टू ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर और द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें जो मेजॉरिटी आई थी ना, वो काफ़ी वेफर थी मेजॉरिटी, मेजॉरिटी थी दैट इज़ 7:6 की मेजॉरिटी थी, एंड ये काफ़ी बड़ा जजमेंट था, उसमें सबसे ज़्यादा जजेस बैठे थे, दैट इज़ 13 जजेस बैठे थे इसमें। तो इसके बाद ना हमारे पास एक इसी आर्टिकल में आया है इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस ऑफ 1975 के बारे में। तो हुआ क्या था, हमारे उत्तर प्रदेश की एक सीट थी रायबरेली, उसमें दो कैंडिडेट्स खड़े हुए थे, इंदिरा गांधी एंड राज नारायण। तो इसमें क्या था, राज नारायण ने केस कर दी इंदिरा गांधी पर दैट शी हैज़ यूज अ मॉल प्रैक्टिसेस एंड टू विन द इलेक्शंस। तो इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या था, इंदिरा गांधी के खिलाफ वर्डिक्ट आ गई थी। तो इंदिरा गांधी ने अगेन इसमें ना सुप्रीम कोर्ट में अपना केस फाइल करा, दैट इज इंदिरा गांधी वर्सेज राज नारायण ऑफ 1975 केस फाइल करा। तो इसमें क्या था, इस टाइम इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, एंड इंदिरा गांधी ने ना 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पास कर दी। उसमें क्या था कि जो हमारे ऑफिसेज है ना, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आएंगे। तो जो ये केस था ना इंदिरा गांधी वर्सेज राज नारायण।